हाय, वेलकम टू फैशन लाइफ चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिए। लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमल। मेरे चैनल फैशन लाइफ पे आपको स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टोनर कैसे और क्यों लगाते हैं इसके बारे में बताऊँगी। टोनर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा स्किन ग्लो करे और स्किन हेल्थी रहे और स्किन हमारा शाइनिंग दिखे। तो टोनर हम दिन में दो बार लगा सकते हैं, मॉर्निंग या नाइट, बट एक बार लगाने के लिए भी टोनर चलेगा। लेकिन ज़रूर हम टोनर डेली यूज करना चाहिए, टोनर को हमें डेली यूज करना चाहिए। टोनर लगाने का एक तरीका भी रहता है, जैसे हर मेकअप चीज़ का लगाने से हमें एक सही तरीका रहता है, वैसे टोनर का भी एक सही तरीका रहता है लगाने का। तो टोनर हमारा स्किन का पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। हाई पीएच लेवल या लेस पीएच लेवल रहता है तो हमारा स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देता है, जैसे कि पिंपल, डार्क सर्कल, डार्क हेड और ब्लैक हेड्स और हमारा एक्नी, ये सब हमारा स्किन में दिखाई देता है, जो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। और टोनर लगाने से हमारा स्किन का ऑयल कंट्रोल में रहता है और हमारा पीएच लेवल बैलेंस में रहता है और हमारा जितने सारे ये प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स हमारा दिखाई नहीं देता है। टोनर लगाने से स्किन हेल्थी भी रहता है। दिन भर हम धूल प्रदूषण से हमारा स्किन बेजान हो जाता है, टोनर लगाने से हमारा स्किन का डलनेस कम हो जाता है और हमारा स्किन ग्रो करता है। और जिन लोगों को जैसे भी स्किन के लिए हमें लगता है कि हमारा स्किन डल लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे ही हमें तुरंत टोनर लगा देना चाहिए। टोनर डेली यूज करने से स्किन बहुत अच्छा ग्लो करता है। अगर दिन में दो बार नहीं हुए तो हमें एक बार तो टोनर लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से टोनर को रात में सोने से पहले लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि क्योंकि दिन भर हमारा स्किन बाहर के कॉन्टैक्ट में आके बहुत बेजान और बहुत डल हो जाता है, तो रात में हम सोने से पहले टोनर लगा के स्किन को क्लीन करके हम अपना नाइट क्रीम लगा के या मॉइस्चराइजर लगा के सोए तो स्किन बहुत अच्छा रहता है रात भर, और सुबह हमारा स्किन ग्लो करता है। तो टोनर का यही सब काम और यही सब ये रहता है यूजफुल, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन टोनर लगाने से तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी। टोनर लगाने से पहले हमने अपना हाथ को और फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, जैसे कि मैंने करके आई हूँ, इसीलिए मैं अभी और नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ। तो टोनर लगाने के लिए हमें कॉटन पैड का लेना पड़ेगा। तो कॉटन पैड से हमें थोड़ा सा टोनर लेके अपने फेस पे लगाएंगे। ये मेरा बायोटिक एडवांस्ड कुकुम्बर टोनर है और ये पोर टाइटनिंग है विथ हिमालय वाटर। ये मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांडेड का टोनर आ चुका है, या हम घर में रोज वाटर में भी हमारा स्किन को टोन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्किन को टोन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेकअप हम दिन भर यूज करते हैं तो स्किन बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए स्किन को अगर नॉर्मल, सॉफ्ट और हेल्थी स्किन बनाना है तो टोनर की बहुत ज़रूरी है। ये टोनर मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नॉर्मल टू ऑयल है और मेरे स्किन कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए मैं ये टोनर बायोटिका ये मैं यूज करती हूँ। स्किन अपने अपने स्किन के हिसाब से हम टोनर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। लेकिन अल्कोहल फ्री टोनर स्किन के लिए बहुत अच्छा है और वो हर स्किन के लिए सूट करता है। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टोनर कैसे लगाते हैं। तो टोनर लगाने के लिए एक छोटा सा कॉटन पैड की ज़रूरत है और इसमें थोड़ा सा, थोड़े मात्रा का टोनर लेके हमें लगाना है। कोई भी स्किन प्रोडक्ट लगाने से लिए हम स्किन के ऊपर के, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे, ताकि हमारा स्किन टाइट रहे और जल्दी रिकल्स ना आए। अच्छे से नेक, फेस और
ईयर पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों कितने सारे डॉट्स निकला है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद हमें 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही स्किन को रखना है ताकि हमारा टोनर स्किन के अंदर तक जा सके। फाइव और 10 मिनट के बाद, मैं थोड़ा जल्दी दिखा देती हूँ, 5 और 10 मिनट के बाद हम टोनर से फिर से थोड़ा सा हाथ में लेके टोनर को अपने हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, लेके ऐसे ही अपने फिंगर से थपथपाएंगे। ये सेकेंड टाइम है। फिर नेक में भी ऐसे लगाएंगे ताकि वो स्किन के थोड़ा अंदर तक जाके स्किन को हेल्थी रखे। ये हो चुका है, अभी 5 मिनट हमें वेट करना है, स्किन को ड्राई करना है। स्किन ड्राई होने के बाद हम अपना अगला मेकअप कर सकते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर लगाना है और मेकअप का स्टेप बाय स्टेप मेकअप हम कर सकते हैं। दोस्तों स्किन के लिए टोनर की बहुत ज़रूरत है और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि टोनर यूज करना चाहिए। तो मेरे ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए। आपको मेरे ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत बोलिए।